जय हिंद। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है सभी ECSS लाभार्थियों के लिए या डिपेंडेंट के लिए। जानते हैं विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसके संबंध में एक PIB जारी किया गया है 14 दिसंबर 2022 को। ये हिंदी में है, मैं इंग्लिश में भी आप लोगों को आगे बताऊँगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने ECSS लाभार्थियों द्वारा सैन्य अस्पतालों में प्राप्त किए गए उपचार के लिए अस्पताल स्टॉपेज रोल्स की पूरी प्रतिपूर्ति को मंजूरी दी है। दोस्तों, स्टॉपेज रोल्स एक टाइप का कर है, इसमें कुछ न कुछ भुगतान करना पड़ता है। मैं आगे इसमें बताऊंगा आगे जहां पर इसके बारे में बताया गया है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 14 दिसंबर 2022 को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना यानी कि ECSS के लाभार्थियों द्वारा सैन्य सशस्त्र बलों के अस्पतालों में प्राप्त किए गए उपचार के लिए अस्पताल स्टॉपेज रोल्स यानी कि HSR को लेकर पूरी प्रतिपूर्ति की नीति को मंजूरी दी है। इस लेटर का फायदा उन सभी पूर्व सैनिकों और उनके डिपेंडेंट को होगा जिनका इलाज आर्मी हॉस्पिटल्स या फिर मिलिट्री हॉस्पिटल्स होता है, और वहां पर उनको अस्पताल स्टॉपेज रोल्स एक कर है उसका भुगतान करना पड़ता है। यानी कि अभी जो अस्पताल स्टॉपेज रोल्स के लिए जो भुगतान करना पड़ता था पूर्व सैनिकों को या उनको इंडिपेंडेंट को, वो भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जो भी इलाज है, इलाज का जो खर्चा है सशस्त्र बलों के अस्पतालों में आर्मी हॉस्पिटल्स में, वो ECSS करती है। लेकिन जो अस्पताल स्टॉपेज रूल्स है इसको ECSS भुगतान नहीं करती है, तो अभी उसको भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चूंकि लाभार्थियों ने चिकित्सा उपचार के लिए सैन्य अस्पताल और ECSS के बीच एक विसंगति को पाया है, यानी कि जो सैन्य अस्पताल है और ECSS के बीच में एक विसंगति थी कि अस्पताल स्टोरेज रोल्स का जो भुगतान है वहाँ एक्सेसमेंट है उनके डिपेंडेंट को करना पड़ता था। और इसके संबंध में राजनाथ सिंह को काफ़ी दिनों से पत्र भी मिल रहे थे कि इस शुल्क को ख़त्म किया जाए। ECSS के तहत मौजूदा नीति के अनुसार HSR यानी कि अस्पताल स्टॉपेज रूल्स और सैन्य अस्पतालों में उपचार के लिए खर्च किए गए किसी भी अन्य शुल्क का पूरा भुगतान ECSS सदस्य द्वारा किया जाता है और इसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है। दोस्तों, तो यहाँ पे बताया गया है कि इसकी प्रतिपूर्ति यानी कि इसका कोई भी रिवर्समेंट नहीं दिया जाता था, यानी कि अपनी जेब से खर्च करना पड़ता था। हालांकि जो बाकी आर्मी अस्पताल में जो भी खर्च होता था वो ECSS पेड करती थी, लेकिन ये जो अस्पताल स्टॉपेज रोल्स है इसको पूर्व सैनिक को खर्च करना पड़ता था अपनी जेब से। अभी इसको माफ कर दिया गया है। और यहाँ पे आगे बताया गया कि रक्षा मंत्री की मंजूर के बाद मौजूदा नीति में संशोधन किया गया है और अब HSR यानी कि अस्पताल स्टॉपेज रोल्स व सैन्य अस्पतालों में उपचार के लिए खर्च किए गए किसी भी अन्य शुल्क का भुगतान ECSS लाभार्थी द्वारा किया जाएगा जिसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो उसकी प्रतिपूर्ति यहाँ पर की जाएगी। यहाँ सैन्य अस्पतालों में पूर्व सैनिकों उनके आश्रितों को गरिमापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दोस्तों, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी पैसा यहाँ पे लगेगा उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी, उसको यहाँ पे दिया जाएगा। और यदि आप इस खबर को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह अप्रूव्स फुल रिवर्समेंट ऑफ हॉस्पिटल स्टॉपेज रोल्स चार्जेस फॉर ट्रीटमेंट टेकन बाय ECSS बेनिफिशियरीज इन मिलिट्री हॉस्पिटल्स। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो ये थी जानकारी दोस्तों। वीडियो में जानकारी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।